शिवसेना नेता संजय राउत ने कल कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और दिल्ली तथा महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के बीच एक बेहतर समझ। राउत ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस ने राउत की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एमबीए गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कल ही मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है, पहले उनसे बात होगी, बाद में अगर हमें लगा तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे। संजय राउत ने आगे कहा, इस राज्य में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ है।